मेरे भाइयों, जब आदमी हलाल तरीके से काम करता है तो जितना रिस्क मिला है उसमें बरकत होती है, उसमें बरकत होती है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में, अल बायानी बिल खियार, बेचने और खरीदने वाले के पास इख्तियार होता है। मालम यतफर्रका, जब तक दोनों अलग ना हो जाए, जो बेचने वाला है खरीदने वाला है दोनों के पास इख्तियार होता है जब तक दोनों अलग ना हो जाए। हाँ, हमारे यहाँ इख्तियार कहाँ तक होता है? हमारे यहाँ पे इख्तियार होता है कैश दे दिए, कैश गले में गया, निकलेगा नहीं बाहर। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेचने और खरीदने वाले के पास इख्तियार होता है जब तक दोनों अलग ना हो जाए, यानी जब तक कस्टमर गया नहीं, वो उसका माइंड चेंज हो गया, बोले नहीं मेरे पैसे वापस दो, दो उसको वापस। लेकिन आगे की हदीस सुनिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइन सदका वसलहा, अगर सच बोलते हैं एक दूसरे का भला चाहते हैं, बोरिक लहुमा फी बैहिमा, वो तिजारत में बरकत होती है। वह इनकदमा व कजबा, अगर ऐबों को छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, मुहिकत बरकतु बहिमा, वो तिजारत की बरकत खत्म हो जाती है। तो पता क्या चला इस हदीस से, हलाल तरीके से काम करते हैं तो माल में बरकत होती है। अब बरकत किसे कहते हैं? बरका बिरका से आता है, जिसका मतलब है एक तालाब होता है जिसमें दिखता पानी जितना है लेकिन बहुत होता है, अंदर पानी बहुत आता है। बरकत का मतलब है कम में ज्यादा का फायदा। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, चलते चलते रोड से उतर गई, पांच आदमी खींच रहे हैं, गाड़ी वापस रोड पे नहीं ला सके, दो पहलवान आते हैं आकर के उठाते हैं, उठा करके गाड़ी को रख देते हैं, तो हम बोलते हैं वो दो भारी निकले कि पांच भारी निकले, दो ज्यादा है या पांच ज्यादा है, वो दो ज्यादा निकले, पांच से ज्यादा दो निकले। जैसे मेरे भाइयों और बहनें, हम लोग सुनते हैं ना अपने बाप दादा के जमाने में कहानी सुनते हैं ना, बोलते हैं हम लोग तो इतना कमाते थे पूरा घर खाता था, अभी इतना कमाते हैं तो भी खर्चा कम नहीं हो, कम पड़ता है। क्यों? आज हम देखते हैं कि बुराइयां बढ़ रही है, और जब बुराइयां बढ़ रही है तो माल की बरकत कम हो जाती है। जो पहले के ज़मानों में जब बुराइयाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी, आज जो सूद शक्लें बदल बदल के आता है तो क्या होता है, बरकत ये सब चीज़ों से चले जाती है। माल हो फिर भी बरकत नहीं है, माल होकर भी इत्मीनान नहीं है, पनात नहीं है। मालदारी कहाँ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलगिना फिल कल्ब, मालदारी दिल में है, वल फ़ख्रु फिल कल्ब, माल और फ़कीरी भी दिल में है, वो मन कहना गिना फी कल्बी ही, और जिसके दिल में मालदारी होती है ला यदुर्रहु मा लकिया मिन दुनिया, उसे दुनिया की बहुत परेशानी भी आ जाए तो परेशान नहीं करेगी। परेशानी आना एक बात है, परेशान होना दूसरी बात है। मालदारी जब दिल में होती है ना, परेशानी आने के बाद भी आदमी परेशान नहीं होता है। वल फ़क्रु फिल कल्ब, वो मन कहना अल फ़क्रु फी कल्बी ही ला यनफ़हु मा अक्सरु लहु मिन दुनिया, अगर किसी के दिल में फ़कीरी है, उसके पास दुनिया की बहुत चीज़ें हो तो भी उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगी। हदीस सही जामे में, हदीस सही सनद से। तो मेरे भाइयों, असल जो मालदारी है, जो बरकत मिलती है, वो कैसे मिलती है? हलाल से मिलती है। तो सेकंड पॉइंट ये याद रखो, हलाल कमाई खाएंगे तो वो हलाल कमाई थोड़ा भी बहुत फ़ायदा देगी, और हराम हो वो ज़्यादा होके भी बरकत नहीं होती उसके अंदर।